सो हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त रामा। तो आप सभी को फिर से नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, मैं अभी अपने गांव में, देखिए बगल में नदी है, मैं यहां पे सुबह सुबह के टाइम घूमने के लिए आता हूं। तो दोस्तों, मैं अभी जा रहा हूं मंदिर पे, तो मैं आपको वहां का सीन दिखाऊंगा। रोसड़ा का फेमस मंदिर है बाबा गंडकीनाथ, जहाँ पर मेरा घर है। घर से मात्र मेरे ख्याल से 200-300 मीटर की दूरी पर यह मंदिर है। तो वहाँ पर दोस्तों, पहले ये मंदिर कोई खास नहीं था, लेकिन धीरे धीरे पूरा यहाँ पे विकास हुआ है बहुत ज़्यादा, और मंदिर अभी काफ़ी मस्त लगता है देखने में, भव्य मंदिर बन चुका है। तो चलते हैं दोस्तों, आप लोगों को मंदिर भी दिखाएंगे। और भाई लोग प्लीज़, आप लोग सपोर्ट करते रहें, आप लोगों का सपोर्ट बहुत मिल रहा है। पहले से अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं वीडियो में। मैं अभी काफ़ी थक चुका हूँ, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, बुल बुल के यानी चल चल के थक चुका हूँ। तो हम दोस्तों बस पहुंचने वाले हैं बाबा गंडकीनाथ धाम। तो देखिए, ये हो गया, ये दोस्तों हो गया आपका श्री घाट। दोस्तों यहाँ पे लोग अभी फिलहाल पानी बहुत कम है, देखिए पानी काफ़ी कम है। और बगल में आपको ये दिख रहा होगा बाबा गंडकीनाथ। तो मैं दोस्तों आपको आज पूरा अंदर का सीन दिखाऊंगा। फिलहाल ये देखिए, ये सब ये घाट बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे पानी काफ़ी ज़्यादा कम चुका है, इसलिए पानी वहाँ पे है दोस्तों, सीढ़ी यहाँ पे है। तो काफ़ी दूरी है यहाँ से, तो हम दोस्तों चलते हैं अंदर। अभी दोस्तों सुबह के टाइम पे यहाँ पे देखिए हॉर्न में गाना बजता है, लेकिन फ़िलहाल अभी लाइट मेरे ख्याल से नहीं है, इसलिए गाना बंद है। देखिए इसका, दोस्तों ये पीने का पानी है, शुद्ध जल। देखिए पोस्टर, बाबा गंडकी नाथ धाम सेवा समिति ट्रस्ट। तो हम लोग दोस्तों चलते हैं अंदर। मैं अपना दोस्तों चप्पल खोल लिया, आगे अंदर। ये देखिए दोस्तों, मंदिर काफी सुंदर लगता है देखने में। दोस्तों अंदर में पूजा पाठ हो रहा है, आपने देखा। हम फिलहाल दोस्तों आपको बाहर से दिखा रहे हैं, देखिए अंदर पूजा पाठ हो रहा है। इधर भी, इधर दुर्गा माता का मंदिर है और सामने भी मंदिर है। दोस्तों जिस टाइम मैं छोटा था, उस टाइम ये पूरा खुला हुआ करता था, लेकिन अब ये पूरा बढ़िया से घिर चुका है, बाउंड्री बन चुका है। देखिए बगल में ये भगवती माता का मंदिर है, यहाँ पे भी नागपंचमी के समय में काफी ज्यादा भीड़ रहता है। तो आपने देखा कि मूर्ति का निर्माण यहाँ पे हो रहा है। दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अपनी राय कमेंट में जरूर रखें। और आपसे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।